सब में अलग अलग है, जैसे हिमालय वगैरह में 32% लेस आता है, एक पे है आपका 210 MRP, लेकिन यहाँ पे मात्र 85 रुपये पीस पड़ेगा। स्टेफ्री, विस्पर, प्रोइज सब पे अलग अलग है, किसी पे 27% है, किसी पे 25% है। 100% ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल माल यहाँ मिलेगा। और पेस्ट का भी कंप्लीट रेंज मिल जाएगा, कोलगेट हो या फिर डाबर का पेस्ट हो, क्लोजअप हो, ठीक है। बच्चे का डायपर का बात करें तो हगीज, पैंपर्स, पोको पैंट सारा मिल जाएगा। बारह जो है, जैसे ये 20 MRP है तो इसमें लगभग 10 रुपये कुछ पैसा के आसपास पड़ेगा ये। या तो सारा साबुन यहाँ पे मिल जाएगा, लक्स हो गया, सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है भासमोल आपका हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद गार्नियर का हेयर कलर आ गया, कुछ नहीं, देखिए दिल्ली के रेट में ही हम लोग यहाँ पे माल देना है, ठीक है ना। अगर दिल्ली कलकत्ता की बात करिएगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आपका अच्छा खासा गिरेगा, लेकिन यहाँ से अगर तो 100 से 200 में आपका माल पहुंच जाता है। दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग्स। दोस्तों लगातार हमारा कोशिश रहता है कि आपको दिखाएं कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहां पे प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं हूं बिहार के सबसे बड़े मार्केट में, पटना सिटी में ये मार्केट पड़ता है, बजाज प्लाजा में। दोस्तों यहाँ पर देखें, थोड़ा सा दिखाएँ, इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये कॉस्मेटिक के अंदर में आता है, आपको भी पता है दोस्तों कि अभी कॉस्मेटिक का क्या डिमांड होने वाला है, बिकॉज अभी आने वाला जो सीज़न है, अभी फेस्टिवल है, इसके अलावा लगन वगैरह भी है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी है। नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा। अंदर में मैं दिखा देता हूँ कि जितना भी कॉस्मेटिक के अंदर में आता है, यहाँ तक कि ब्रांडेड जो आइटम होती है उस पर भी अच्छा मार्जिन आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सारा है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं भैया यहाँ पे। भैया सबसे पहले बताएं कैसे हैं? सब बढ़िया भैया, आप बताइए। ओके, मैं ठीक हूँ। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, बहुत लोगों का प्यार आया। आप वीडियो अगर देखे होंगे, अगर खास करके जो नए लोग देख रहे होंगे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो पिछला वीडियो से कितना नया रोजगार लोगों ने स्टार्ट किया? पिछला वीडियो पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत दूर दूर से कस्टमर आए, इवन बिहार, ओवरऑल बिहार से भी आए, झारखंड के भी लोग आए कुछ, बहुत लोगों ने यूपी से भी कांटेक्ट किया। रेट की वजह से, रेट हम लोग का अच्छा है तो दूर दूर से लोग कांटेक्ट किया। अच्छा, मतलब कि अच्छा एक चीज़ बताएं, इस मार्केट की बात करेंगे कि यहाँ से कहाँ कहाँ जाती है और ये कितनी पुरानी मार्केट है? ये मार्केट तो बहुत पुराना है, ये मार्केट मान के चलिए कि 30-35 साल पुराना मार्केट है, और ये मेन मंडी है, बजाज प्लाजा मार्केट जो है मसरट्टा का मेन मंडी यही है। अगर कॉस्मेटिक मार्केट की बात करें तो कॉस्मेटिक के अंदर में यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी रेंज मिलती है, और रेट वगैरह की बात कीजिए तो दिल्ली की बात करेंगे, कोलकाता कॉस्मेटिक के लिए जाना है। दिल्ली कोलकाता में देखिए रेट में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, वहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट ले जाइएगा डैमेज एक्सपायरी भी हम लोग सारा क्लेम करते हैं। ओके, मतलब कि डैमेज अगर आ गया, अच्छा एक्सपायरी आ जाता है तो उसका क्या? एक्सपायरी आएगा तो जनरली देखिए, अब जो न्यू कस्टमर हैं उनके लिए तो हम लोग ये बेनिफिट एक दे रहे हैं कि जो भी नए कस्टमर नया शॉप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग 3 महीने का समय दे रहे हैं कि अगर वो कोई आइटम उनके यहाँ नहीं बिक रहा है तो वो वापस कर दें। सर 3 महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर, लेकिन फिर भी अगर कोई आइटम उनके यहाँ डंप पड़ गया, एक्सपायर हो गया, तो ला के वापस करेंगे हम लोग, 15 दिन से 1 महीने का टाइम लेंगे, और जब कंपनी रिटर्न करेगी तो उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंपनी ऐसा है जैसे जॉनसन वगैरह क्या है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब हैंड टू हैंड हम लोग रिटर्न कर देंगे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कंप्लीट रेंज है हमारा, ठीक है, जो भी डेली यूज का सामान है, ठीक है, तेल उधर देख के बताएं, तेल हो गया, साबुन, शैम्पू, सर्फ हो गया, फिर उसके अलावा बॉडी लोशन हो गया, फेस वॉश हो गया, हर ब्रांड का आपको मिलेगा, मतलब कि एक इंसान को जो डेली यूज। हाँ हाँ, उसके अलावा कुछ और आइटम है जैसे लिपस्टिक, नेल पेंट, नेल कटर, ये सब सारा आइटम यहाँ मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज ये बताएंगे, कई लोगों का ये दिमाग में होता है, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो ज्यादा यूज की जाती है, जिसका दोस्तों आपको भी पता है कि जो ब्रांड ही यूज की जाती है ज्यादा, और कई लोग चाहते हैं कि गाँव में तो कम रेंज का भी चलता है, तो दोनों चीज यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ पे जनरली देखिए ब्रांडेड आइटम ही है, और मतलब लो कॉस्ट से लेके हाई कॉस्ट तक का प्रोडक्ट दोनों मिलता है। हाँ, दोनों मिलेगा, मतलब गांव के हिसाब से, गांव के हिसाब से भी मिलेगा और शहर के हिसाब से। अच्छा, ब्रांड की बात करेंगे तो उसमें 100% ओरिजिनल रहता होगा सर? सब ओरिजिनल रहेगा उसमें, कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कॉपी होगा, ब्रांड ओरिजिनल ब्रांड होगा। आप ये जानकर चाहिए करोगे दोस्तों कि ब्रांड पे इतना ज्यादा आपको मार्जिन मिलेगा जो कई लोग बताते ही नहीं क्या? सारा कंपनी है यहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का सारा प्रोडक्ट हो गया, पीएनजी का हो गया, फिर आपका हिमालय का जो भी प्रोडक्ट है वो सारा है। उसके बाद अगर देखिएगा तो लोटस भी है, इमामी का, बोरो प्लस वगैरह, निविया का हो गया, वैसलिन का, बॉडी लोशन का, टोटल प्रोडक्ट। अच्छा, इस सब पे मार्जिन अच्छा होता है? हाँ, मार्जिन सब पे अच्छा है, ठीक है ना। अगर न्यू शॉप जिसको खोलना है, अगर एक बार यहाँ पे आएंगे तो समझेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ इतना मार्जिन है, अच्छा काम है। नया जो कस्टमर जुड़ते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि कैसे स्टार्ट करना है, कितना पूंजी लगाना है, ये चीज़
तो ये देखिए हम लोग तो स्टार्टिंग से सपोर्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग वैसा ही माल देंगे जो उनके यहाँ डंप ना पड़े, रेगुलरली जो बिकने वाला आइटम है, फास्ट आइटम है। और दोस्तों जो आइटम फंस जाता है उसके लिए भैया तीन महीने का समय, देखिए 3 महीने का हम लोग टाइम देंगे। 3 महीने के अंदर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मान लीजिए जॉनसन का है, ये नहीं बिक रहा है मेरे यहाँ, तो इसको आप 3 महीने के अंदर कभी भी रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, हर जगह पे मिलता नहीं, क्योंकि नया कस्टमर डरता है पहले शॉप खोलने से कौन सा आइटम ले जाए नहीं ले जाए। तो ऐसे तो हम लोग अपने तरह से पूरा कोशिश करेंगे कि जो रनिंग प्रोडक्ट है पहले वही दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई आइटम उनके यहाँ डंप हो गया नहीं बिक रहा है 2 महीना 3 महीना के अंदर वो रिप्लेस कर सकते हो। देखिए मिनिमम पार्सल तो हम 5,000 का भी भेज देंगे, लेकिन जो पार्टी माल मंगा रहा है ना उसको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन इतना लगे कि मतलब उसको पड़ते में आ जाए। बिल्कुल, अब 5,000 में 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन गिर जाएगा तो उनको तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टली हो जाता है। अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। अब एक चीज़ और जानेंगे कि लगभग एक मेल जो होता है कितना तक के आ जाता होगा नया दुकानदार जो जुड़ते होंगे? देखिए मेल की बात करें तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग मेल लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर विलेज एरिया से बिलोंग कर रहा है तो उसमें क्या है कि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग मेल देंगे। ओके, तो वो मिनिमम कितना? स्टार्टिंग मेल देखिए 15,000 से भी स्टार्ट होता है, और लगाने के लिए अगर अच्छा मेल चाहिए, अच्छा अगर लोकेशन पे शॉप खोल रहे हैं तो 50,000-60,000 में एक मेल लग जाएगा ढंग। बहुत बढ़िया जानकारी। अब प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करेंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे और मार्जिन आपको जानेंगे कि क्या मार्जिन आपको मिलता है। सबसे मिनिमम बात करें तो कितने से स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट आपके? स्टार्टिंग तो 1 रुपये का है, ठीक है ना, 1 रुपये से स्टार्टिंग है। अगर शैम्पू पाउच वगैरह की बात, अच्छा इधर दिखाएं थोड़ा सा। अच्छा ये सब भी, ये सब पे मार्जिन तो अच्छा होती है कि जितना भी मैं ब्रांडेड देख रहा हूँ, क्लिनिक प्लस वगैरह, देखिए पाउच वाला आइटम हो गया, ठीक है ना, ये सब इसका सेल ज्यादा रहता है लेकिन मार्जिन कम रहेगा। मार्जिन मार्जिन कम रहेगा, ये चीज जान ले दोस्तों, ब्रांडेड आइटम है मार्जिन थोड़ा कम होता है लेकिन सेल ज्यादा है। ये बाकी ये जो डब्बे वाला अच्छा, मेहंदी वगैरह में देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारा क्रीम, मेहंदी वगैरह में बहुत अच्छा मार्जिन, अच्छा 5-10 का ये सब है, तो ये सब पे मार्जिन कैसा रहता होगा? मेहंदी पे 30% से लेके 50% तक का। अच्छा 30% क्रीम वगैरह मेहंदी का अगर बात करिएगा तो 15 MRP है, यहाँ पे 7 रुपीस पड़ता है। ओके, सीडीओ में देखिएगा तो फॉग हो गया, सेटवेट हो गया, अच्छा एनवी है, स्पिंज है, ये सब में अच्छा मार्जिन है। अच्छा ये परफ्यूम की बात की, परफ्यूम के लगभग हर रेंज आती होगी आपके पास? हाँ कंप्लीट हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा। अच्छा मार्जिन वाला प्रोडक्ट इसमें भी होता होगा कम मार्जिन में? जैसे देखिए अगर KSDO की बात करें तो ये एक पे है आपका 210 MRP, लेकिन यहाँ पे मात्र 85 रुपए पीस पड़ेगा। 85, मतलब कि ये 60% का आसपास मार्जिन मिलने वाला है दोस्तों। KSDO इस तो ब्रांडेड है, KSDO हाँ मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होती है। इसके अलावा ये सेटवेट डी हो गया आपका, यहाँ पे 220 MRP है इसमें एक पे, लेकिन यहाँ पे मात्र पड़ेगा आपको 95 रुपीज। ये 220 MRP 95 रुपए पीस, ये 95 हाँ। इसमें भी 50 से ऊपर आपको से ऊपर का ही मार्जिन लगेगा। ये सब ब्रांडेड है, इस पे भी मार्जिन अच्छा है। ओके, इसमें और अगर बात करें तो फेस वॉश वगैरह में देखिएगा तो हर तरह का, थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं चीज को, फेसबुक बहुत ज्यादा लैक्मे का जो बड़ा वाला फेस वॉश है ये लगभग 35% लेस आएगा इसमें। अगर 35% VLCC फेस वॉश में बात करिएगा तो 30% का लेस आएगा। अच्छा एक चीज जानेंगे, ब्रांडेड आइटम है ये सब पे तो MRP पे भी प्रोडक्ट बिकती होगी? सारा प्रोडक्ट MRP पे ही बिकेगा आपका, कहने का मतलब 100 रुपये का MRP है दोस्तों, तो उस पे आपको 35 रुपये का डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अगर बात की जाए क्वालिटी की तो 100% ओरिजिनल होती होगी? हाँ हाँ, उसमें कहीं कोई शक नहीं। ओके, और इधर बढ़ते हुए दिखाए पतंजलि का भी आइटम, यहाँ पे देखिए सौंदर्य फेस वॉश हो गया, पतंजलि का एलोवेरा जेल है, सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसमें पतंजलि के फेस वॉश में 20% का डायरेक्ट लेस है इसमें, 20% 20% MRP भी बिकती है, सब ध्यान रखें। लैक्मे का सन क्रीम हो गया, इस पे MRP पे 25% का लेस मिलेगा। ओके, निविया फेस वॉश में अप टू 35% तक लेस है निविया के, मतलब फेस वॉश और परफ्यूम और पूरी रेंज आपने रखा है। ओके, हर एक ब्रांड, बिल्कुल। अच्छा इसमें भी कोई कुछ में ज्यादा मार्जिन होता होगा, किसी में कम होता होगा? सब में अलग अलग है, जैसे हिमालय वगैरह में 32% लेस आता है, ठीक है ना, अभी फिलहाल इसमें 32% लेस है, लेकिन ये सब ऊपर नीचे होते रहता है रेट। बिल्कुल, मतलब कंपनी मतलब के अभी का रेट है। ओके, और मतलब वेरिएशन आता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, 1-2% का ऊपर नीचे। अलावा देखिए कोल्ड का आइटम भी आएगा, निविया का बॉडी लोशन आएगा, निविया सॉफ्ट क्रीम आएगा, ठीक है ना, तो ये सब बहुत अच्छा मार्जिन है। अच्छा ये सब सेल भी तो अच्छा होता होगा भैया? सेल अच्छा है, बहुत अच्छा सेल है। कॉस्मेटिक में कोई भी प्रोडक्ट अगर देखिएगा तो इसी के भरोसे, बिल्कुल सेल बहुत ज्यादा होता है, सेल अच्छा मिलेगा, सेल में कहीं कोई दिक्कत बहुत नहीं। बहुत बढ़िया। ये क्रीम वगैरह की बात की जाए तो इस पे भी अच्छा मार्जिन, जैसे व्हाइट ब्यूटी क्रीम है, इसमें छोटा से लेके बड़ा रेंज है, तो इसमें अप टू 35% तक लेस आता है। हेयर कलर का अगर बात करिएगा तो जो भासमोल है, जनरली गांव में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है भासमोल आपका हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद गार्नियर का हेयर कलर आ गया, लोरियल आ गया, कलर मेट आ गया, सारे कंपनी का यहाँ पे मिल जाएगा हेयर कलर भी।
अच्छा एक चीज़ बताएं भैया, अब कोई लोग क्वांटिटी में कहते हैं कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है? मिल जाएगा, ओके ठीक है ना। जितना पीस और चाहिए लेकिन क्वांटिटी। अगर जैसे कुछ कुछ कस्टमर ये बोलते हैं कि 3 पीस का रेट अलग है क्या और पेटी का रेट अलग है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग का जो रेट है पेटी वाला रेट यहाँ पे हम 3 पीस 6 पीस में भी दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके मतलब कि हाँ दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको पेटी लेना होगा, हाँ जब आपको 3 पीस चाहिए 6 पीस भी चाहिए तो तो पेटी वही वाला रेट ही रेट रहेगा। मिलेगा, हाँ पेटी उसमें भी हाँ लेंगे तो वही रेट मिलेगा, और रेट जो होगा बिल्कुल दिल्ली का टक्कर का होने वाला है, ऐसा एक नहीं? बार जो कस्टमर एक बार विजिट करेगा ना, देखेगा समझेगा, एक बार मान ले जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ कि फिर दोबारा रिपीट जरूर करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। दोबारा तो रेट जरूर में कभी आएंगे, कभी शिकायत नहीं आएगी। रेट में आपको शिकायत नहीं आएगा, एक बार आने के बाद दोबारा जरूर आएगा। रिपीट ऑर्डर जो होता है ना बहुत जरूरी होता है, कि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रिपीट आपको और कुछ प्रॉफिट होगा कस्टमर तभी आए। ऐसे भी डिमांड करते हैं कि मतलब हमको पहले रेट लिस्ट चाहिए सारे प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो देखिए नए कस्टमर को क्या आइडिया है, रेट लिस्ट वो मांगेंगे तो हम तो दे देंगे, PDF शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार वो विजिट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा उन्हें रेट की इसमें। बात करेंगे तो ये दिल्ली की बात करते हैं लोग, कि दिल्ली में सस्ता मिलता है कॉस्मेटिक आइटम। ऐसा कुछ नहीं, देखिए दिल्ली के रेट में ही हम लोग यहाँ पे माल दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा दिल्ली कलकत्ता की बात करिएगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आपका अच्छा खासा गिरेगा, लेकिन यहाँ से अगर कहीं से भी पूरे बिहार में कहीं से भी आते हैं तो 100 से 200 में आपका माल पहुँच जाता है, एक नाग अगर ओके बड़ा मतलब कि कार्टून। कहीं हाँ से मंगाए रेट वही हाँ होने वाला है, दिल्ली का रेट होने वाला है, और ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो कहीं से भी आप मंगवाते हैं 100 200 से ज्यादा नहीं हाँ सौ लगेगा, है से ना? दो सौ रुपया एक नग पे लगता बहुत है, बढ़िया, और एक नग में जनरली 25-30 हज़ार का माल भी आ जाता है। 25 से 30 हज़ार का आराम माल से आ होगा, जाएगा 100 200 में आपका ये आपका। ट्रांसपोर्ट खर्च है, बहुत बढ़िया। अच्छा ऑनलाइन मंगाएंगे तो वीडियो कॉल के थ्रू भी ये सुविधा आप देते हैं? हाँ कोई इशू नहीं उसमें, ओके अगर वीडियो कॉल के थ्रू देख भी सकते हैं और व्हाट्सएप पे अगर भेजिएगा तो उसका हम लोग पहले बिल बना के भेज देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा इधर की बात करें तो दिखाएं थोड़ा। देखिए तेल का सारा आइटम होगा, ठीक है ना, निहार अच्छा नेचुरल हो गया, जैस्मिन हो गया, पैरासूट एलोवेरा हो गया, ये सब में भी बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। अच्छा ये तेल की बात करें, तेल भी आपको पूरा बजाज रेंज मिल आलमंड हो जाएगा? गया, ओ मिल जाएगा। तेल की बात करें तो, तेल की बात करें दोस्तों तो पूरा रेंज मिल केसकिंग जाता तेल है, हो गया आपका, केसकिंग हो गया, ये इंदुलेखा तेल हो गया, ठीक है ना, ये सब बहुत में बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा मार्जिन इसमें है। छोटा पैक बड़ा पैक जो होता है, छोटा फाइल बड़ा फाइल सब साइज मिलेगा इसमें, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट का भी कंप्लीट रेंज मिल जाएगा, कोलगेट हो या फिर डाबर का पेस्ट हो, क्लोजअप हो, ठीक है ना, पेप्सोडेंट हो, पतंजलि का पेस्ट हो, सारा पेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, पेस्ट का भी कंप्लीट रेंज मिल जाएगा आपको। पेस्ट पेस्ट आप दिखा रहे होंगे, उसके बाद क्या दिखाने वाले हैं? उसके बाद देखिए साबुन का भी कंप्लीट रेंज आपको मिलेगा, साबुन अच्छा में अगर बात करें तो पार्क एवेन्यू से लेकर बाइल स्टोन हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया, ये बाइल स्टोन हो गया, तो सारा साबुन यहाँ पे मिल जाएगा। लक्स हो गया, इधर देखिएगा तो सिंथॉल है, फियामा साबुन हो गया, मार्गो हो गया, डिटॉल, सारा साबुन का जो भी रेंज है कंप्लीट रेंज यहाँ पे अच्छा मिल आपने जाएगा। पेस्ट दिखाया तो ब्रश भी होगा? हाँ ब्रश भी है ना, ब्रश में आपका सेंसोडाइन आएगा, ओरल भी आएगा, पेप्सोडेंट आएगा, अजय का ब्रश आएगा, सारा कंपनी का ब्रश भी आएगा ओके आपका। मतलब जो भी मिलेगा ये भी ब्रांड में मिलने हाँ वाला है ब्रांड में दोस्तों? ही मिलेगा, लोकल आइटम हम लोग नहीं ओके रखते अच्छा हैं। जो सेविंग का भी टोटल आइटम मिल जाएगा, उसके सेविंग अलावा के आइटम हाँ मिल सेविंग जाएगा। का भी आइटम मिल अच्छा इस जाएगा, पे भी तो मार्जिन अच्छा होता होगा भैया? अच्छा मार्जिन है। ओके और मेन चीज ज्यादा डिमांड में होती है, देखिए मैं छोटा फाइल की बात कर रहा था तो इस टाइप से पैक छोटा आता फाइल देखिए, केस का छोटा फाइल है ये, 80 MRP है, ठीक है ना, यहाँ पे मात्र पड़ेगा आपको 43 रुपये, 43 43, हाँ रुपया ओनली 43 रुपये। बहुत बढ़िया। देखें यहाँ पे डिटॉल वगैरह की बात की जाए तो भैया इसमें तो डिटॉल मार्जिन में थोड़ा मार्जिन कम होता है, ठीक है बिल्कुल, ना, मतलब ये ये एंटीसेप्टिक आइटम हॉट हो गया। आइटम होती है हाँ ना, डिटॉल बिल्कुल में हॉट आइटम होती है डिटॉल का। देखें यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा रेंज मिल जाएगा, इस पे मार्जिन कम होता है क्योंकि ब्रांडेड होती है आइटम। और इसके अलावा बात करें इसके अलावा देखिए ये डव का शैम्पू हो गया, ये तो खाली कॉम्बो ऑफर है, इसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन है, कितना ये मार्जिन होता है भैया? एक्चुअली दुकानदार के लिए है ये, इसको मतलब कंज्यूमर ऑफर है ये, तो बिल्कुल। इसमें 17 से 18% लेस आएगा अच्छा डब की MRP बात पे। कीजिए, बहुत हाँ बड़ा ब्रांड है, 17 से 18। बड़े फाइल पे लेस ज़्यादा आता है, ठीक है ना, छोटे फाइल पे थोड़ा सा लेस कम आता है। लेकिन ये है कि डिमांड ज़्यादा होता है हाँ हाँ छोटा हाँ फाइल का, हाँ तो ये चीज़ आपका। बरस वगैरह की बात कीजिए तो यहाँ पे MRP 20 देख रहा हूँ, बरस वगैरह में लगभग 50% का मार्जिन आएगा, थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे नज़दीक करके। बरस जो है जैसे ये 20 MRP है तो इसमें लगभग 10 रुपया कुछ पैसा के आसपास पड़ेगा ये अच्छा ये बरस, दस ओरल भी हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, समझ में सब में लगभग 50% का मार्जिन है फिफ्टी ब्रश में। परसेंट का इसमें ऊपर से एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 10 पे 2 फ्री है ना, हाँ 10 पे 2 मतलब फ्री कि 10 का आपको रेट लगेगा और 2 फ्री है बारह बरस पीस की बात मिलेगा। करें तो। यहाँ पे छोटा छोटा जो परफ्यूम होता है वो भी कॉम्बो वगैरह का, पॉकेट परफ्यूम बोलते हैं इसको, ये पॉकेट ड्यू फिफ्टी वगैरह भी 50% का मार्जिन है सब में। परसेंट का मार्जिन मिलता है। सारा आइटम हॉट ही है भैया, जैसे देखिए हिमालय का प्रोडक्ट अगर बेबी प्रोडक्ट देखिएगा तो बेबी प्रोडक्ट में बहुत सारा रेंज है,
बेबी ऑयल से लेके क्रीम से लेके लोशन वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा इसमें। बहुत अच्छा लेस भी है, ओके मतलब डिस्काउंट 33% तक लेस आएगा हिमालय के बेबी प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, चालू आइटम है काफी। यही चीज मतलब कि ज्यादा सेल होती है ना, तो आपको कहना मतलब मार्जिन कम होने में सेल ज्यादा होना चाहिए। बच्चे में ये देखिए एडी का ग्रोमेड ऑयल है, एडी विटामिन ऑयल, ये भी बहुत चालू आइटम है और बहुत अच्छा लेस आता है इसमें, आपको 40% तक लेस आएगा इसमें। इसके अलावा देखिए काजल से लेके सिंदूर वगैरह सारा कुछ हम लोग के यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल छोटा प्रोडक्ट में स्पिंज का बेबी पाउडर हो गया, अगर ऊपर में देखेंगे तो वाइल्ड का पॉकेट परफ्यूम हो गया, तो छोटा प्रोडक्ट से लेके बड़े प्रोडक्ट तक सारा रेंज हम लोग के यहाँ मिल जाएगा। सीपी शैम्पू का ये देखिए 100 ग्राम का फाइल है ये, 100 ग्राम हो गया, ये 200 ग्राम हो गया, इसके ऊपर सफी मार्जिन क्या होती है शैम्पू वगैरह पे? देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, इस पे 15-17% का मार्जिन आएगा, 15-17 उसके। लेकिन ये ध्यान रखें कि सेल बहुत ज्यादा आपके यहाँ। उसके अलावा बड़ा फाइल लेंगे तो बड़े फाइल पे लेस अच्छा आएगा, बड़े फाइल पे जैसे अगर पंप वगैरह लेंगे तो इस पे 30-35% तक का लेस आता है, 35% तक बड़े फाइल में लेस ज्यादा आता है। बहुत बढ़िया। इधर लिवॉन का ये सीरम हो गया, हेयर सीरम हो गया, हिमालय का फेयरनेस क्रीम हो गया, तो ये समय भी बहुत अच्छा लेस आता है। बहुत ओले जो कि एक रनिंग प्रोडक्ट है ओले का, ये ओले का डे क्रीम हो गया, तो ये सब पे भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा इधर देखिए लवली सबसे चालू आइटम अगर है तो कोई है तो लवली ही है, ठीक है ना? तो इस पे मार्जिन हालांकि कम है लेकिन ये सबसे ज्यादा रनिंग 100% ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल माल यहाँ मिलेगा ओरिजिनल के लिए। ये हो गया आपका व्हाइट टोन क्रीम, तो व्हाइट टोन क्रीम की अगर बात करेंगे तो इस पे बहुत अच्छा मार्जिन है, 75 MRP है, यहाँ पे लगभग 30% का लमसम लेस आएगा इस पर। 30% के लमसम लेस आएगा। अच्छा ब्रांड है भैया, तो कभी कभी तो रेट रेट ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए लास्ट वीडियो में कुछ कस्टमर ने बोला था कि वीडियो में इतना रेट बता रहे थे, अभी ये आ रहा है, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा रेट होता है, ठीक है ना? किसी जैसे अभी अगर 30 बता रहे तो हो सकता है इसमें 35 मिले एक हफ्ते के बाद, ठीक है ना? तो ये रेट ऊपर नीचे होता है कंपनी के हिसाब से होता है, कंपनी के हिसाब से स्कीम जैसा चेंज हुआ उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता है। एक भी आएगा सेवलोन आएगा, ये हैंड वॉश हो गया, ठीक है ना? डिटॉल कंपनी का हो गया। डिटॉल पे मार्जिन क्या रहता होगा? ये देखिए ये डिटर्जेंट आइटम एक तरह से हो गया, तो इस पे थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा, जैसे साबुन वगैरह पे या हैंड वॉश पे मार्जिन कम, खास करके कंपनी की बात करें डिटॉल वगैरह बहुत बड़ी ब्रांड और साबुन वगैरह पे मार्जिन कम रहेगा। ओके यहाँ पे बात करेंगे, अब थोड़ा सा दिखा दें इधर का प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्या क्या मिल जाएगा आपके यहाँ? ये 400 ml साइज है, बड़ा साइज हो गया, यहाँ पे 100 ग्राम का भी लोशन मिल जाएगा इसमें, ये 50% लेस है यहाँ पे। अच्छा इसका, ये सब प्रोडक्ट जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट है इस पे मार्जिन बहुत अच्छा है ना? हाँ निविया का ये बड़ा फाइल पे 50% लेस है, अगर छोटा फाइल की बात करेंगे तो 40% तक लेस आएगा उसमें भी। और ये निविया का सॉफ्ट क्रीम है, इसमें ये अच्छा सेल है इसका, ठंडे के दिन में बहुत अच्छा बिकता है ये, इसमें 35-40% का लेस आएगा। बिल्कुल। उसके बाद लोशन में बात करिएगा तो वैसलिन का ये बड़ा फाइल हो गया 400 ml, ये 335 MRP है, यहाँ पे ये 45% लेस में हम लोग बेच देते हैं। 45% मार्जिन, बहुत बढ़िया। ओके उसके अलावा सारा आइटम मिल जाएगा, जैसे मामा अर्थ अभी डिमांड में है थोड़ा सा, तो मामा अर्थ का भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? इसके अलावा मामा अर्थ मिल जाएगा, सनाज का भी आइटम मिल जाएगा, गोल्ड किट डायमंड किट सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा और रेट में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। ओके और दोस्तों जो मार्जिन होता है लेखा तेल हो गया, ये 432 MRP यहाँ पे पड़ेगा आपको, मात्र 315 रुपये। जैसे ये देखिए ये एक प्रोडक्ट है आपका लैक्मे का सीट मास्क है, बहुत ही चालू आइटम है और ये है आपका 100 MRP है पर पीस का, यहाँ पे आपको पड़ेगा ये मात्र 70 रुपये, मतलब 30% का लेस आएगा इसमें। बहुत बढ़िया। इसके अलावा फेम का गोल्ड, फेम गोल्ड ब्लीच देख लीजिए, ये बड़ा वाला फाइल है 75 MRP का है, यहाँ पे ये 40% लेस मिलेगा इसमें। बिल्कुल। इसका जो छोटा फाइल है उसमें 25% लेस मिलेगा, लेकिन उसमें 6 पीस पे गुलाब जल फ्री है आपका, 6 पीस पे। हाँ 6 पीस पे गुलाब जल फ्री है। लैक्मे का भी टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट से लेके फाउंडेशन, ये यहाँ पे 25-26% के लमसम लेस आएगा MRP पर। क्या बात है दोस्तों, मैं खास करके कॉस्मेटिक की बात कर रहा था, तो कॉस्मेटिक में कहने का मतलब है कि एक दुकान में जो ज़रूरत होती है, आप गांव में रहे या फिर शहर में खोले आप दुकान, तो वो चीज़ लगभग यहां पे अवेलेबल। और वीडियो में तो खास करके बहुत चीज़ इन्होंने जिक्र भी नहीं किया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना भैया, तो यहाँ कहीं ना कहीं कि आप यहाँ पे विजिट कर लें और एक बार विजिट करेंगे ना तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या आपके दुकान में बिक सकता है वो भी आपको पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग भी बताएंगे कि हाँ ये ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है तो ये आप ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कॉस्मेटिक का कंप्लीट रेंज मिल जाएगा, नेल पेंट से लेके लिपस्टिक से लेके नेल पेंट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा, नेल पेंट का कंप्लीट रेंज मिल जाएगा आपको, नेल कटर वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा, सारा कंप्लीट रेंज मिल जाएगा। अच्छा ये सब पे मार्जिन क्या रहती होगी?
नेल पेंट वगैरह ये देखिए तो ये बिना एमआरपी का आता है, ठीक है ना, ये परसोनी कंपनी जो है बिना एमआरपी का आता है, तो ये सब मान के चलिए कि 50% का कम से कम मार्जिन रहेगा। बहुत अच्छा मार्जिन रहता है ना, मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया है, कैंची हो गया, कैंची वगैरह सारा कुछ, नैपकिन वगैरह के पे क्या मार्जिन होती होगी भैया? ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, यहाँ जैसे इस पे स्टेफरी विस्पर प्रोइज सब पे अलग अलग है, किसी पे 27% है, किसी पे 25% है, तो कंपनी वाइज। लेकिन मिल जाएगा सभी, इसके बाद ब्रांड मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चे का डायपर का बात करें तो हगीज, पैंपर्स, पोको पैंट सारा मिल जाएगा, लिटिल वगैरह का भी मिल जाएगा उसमें। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये चीज समझने के लिए एक बार आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए कि कोई यहाँ से जुड़कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे यहाँ पे कैसे आएंगे, एड्रेस एक बार थोड़ा बता दें। देखिए आने के लिए अगर उधर से आ रहे हैं लोग, हाजीपुर की तरफ से आ रहे हैं या मुजफ्फरपुर साइड मोतिहारी से आ रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि गायघाट आ जाएं। अगर अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ सीधा आ सकते हैं, लेकिन जो लोग बस से आ रहे हैं गायघाट पुल पे उतर के नीचे सीधी से आ जाएंगे, उसके बाद ऑटो लेके सीधा मछट्टा आ सकते हैं। ओके, मतलब जो बाई ट्रेन आ रहे हैं, जो बाई ट्रेन आ रहे हैं पटना साहिब स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से ऑटो वाले को बोलेंगे 10 मिनट में चौक पटना सिटी आ जाएंगे, और चौक से वॉकिंग डिस्टेंस है आपका मछट्टा बजाज प्लाजा मार्केट। बिल्कुल, और बाकी दोस्तों स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए स्क्रीन पे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ कुछ सैंपल भी आप प्रोवाइड करते हैं भैया। सैंपल वगैरह देखिए वो तो व्हाट्सएप पे अगर कस्टमर बोलेंगे तो हाँ, वीडियो कॉल के थ्रू मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं। ओके, बाकी स्क्रीन पे नंबर, उस नंबर पर कॉल कर ले जानकारी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।